students, now I am going to execute one more Java program. I have written that Java program in BlueJ and I am going to open that program. So I am going to explain you one program, that is write a program to execute a number which is factorial. And what is a factorial number? I have told you that factorial is, if we will take 5 and factorial of 5 will be 5, 4, 3, 2, 1. So like this we will take. So this is the program where we will execute the program of factorial. So what is factorial? Factorial means अगर maths में maths का term है ये factorial. अगर हमें 5 का factorial निकालना होता है तो हम लिखते हैं 5 factorial into 4 into 3 into 2 into 1. तो वो कितना निकलता है 125. तो हमें निकालना है कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 125 कैसे आता है. So I've explained a program, how to write the program and how we can execute that program. First of all, as we are doing in earlier program also, as we used to do, we will write a name of the class, that is class do while loop. Then we will write the name of the method, that is public void main int n. We will take a parameter n, we will print a message, enter number is plus n, means whatever number we will enter to take this number. Program execute होने के बाद हम जो भी number डालेंगे उसको यहाँ पे लेके वो यहाँ पे print करेगा. मान लीजिए हम 5 डालेंगे तो वो लिखेगा enter number is 5. Int i, i किस लिए? Factorial के लिए. Double fact, fact equal to 1. Fact नाम का एक variable लेंगे जिसको 1 से initialize करेंगे. I equals to 1. While i less than equals to n. एक कंडीशन होगा while लूप का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि while लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप. एंड डू while लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप मींस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम ओनली इट विल चेक द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और नॉट. अगर हमने n i लेस देन इक्वल्स टू n, तो i का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. तो i क्या है, 1 है. तो लेस देन इक्वल्स टू n, अगर हमने n में 5 दिया है तो ऑब्वियसली i लेस देन इक्वल्स टू n होगा, 5 तक जाएगा. तो मींस द वैल्यू ऑफ i विल गो फ्रॉम 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4 इनटू 5. और ये इनटू कैसे होगा, ये यहां पे होगा जब ये while लूप के अंदर लूप में आएगा. तो fact इक्वल्स टू fact इनटू i. शुरू में fact का वैल्यू 1 है तो 1 इनटू i, i का वैल्यू भी 1 है तो 1 इनटू 1 1, फिर i प्लस प्लस, फिर वो इंक्रीमेंट होगा. यहां पे i का वैल्यू हो जाएगा 2 इंक्रीमेंट होने के बाद. फिर ये वापस लूप while लूप में जाएगा, फिर चेक करेगा whether i is less than equals to n. फिर i का वैल्यू भी इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, तो 2 less than equals to 5 अगर हमने n का वैल्यू 5 दिया है. ये कंडीशन मैं कब बोल रही हूँ, जब हमने n का वैल्यू 5 दिया है. हमें किसका फैक्टोरियल निकालना है, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है. तो हम यहाँ पे n फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2. तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू n होगा, यस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू n. फिर ये नीचे लूप में आएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई. तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई क्या हो जाएगा, 2 इनटू आई. फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3. फिर ये वापस लूप में जाएगा व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू n, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5. फिर ये वापस लूप में आएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, 3 इनटू आई. ऐसे करते करते 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4 इनटू 5 होगा और लास्ट में मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज प्लस फैक्ट. तो दिस इज द प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर विच इज 5. थैंक यू.